हेलो बच्चों, वेलकम टू डीजेस क्लासेस। आज का टॉपिक एल्कोहल फिनॉल ईथर फॉर नीट। अच्छे सवाल और उनके बढ़िया तरीके के जवाब कैसे करने हैं, आइए इस सीरीज में चलते चलते हैं। ये एल्कोहल की जनरल इंट्रोडक्शन जो कि जनरली पूछी जाती हैं, ये कॉमन नेम आते हैं, ये आपको डीजेस क्लासेस की ऐप पे नोट्स मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। ये बहुत ही उम्दा सवाल हो जाता है। और अब ध्यान से देखो, एसीटोन की बात कर रहे हैं भाई साहब, एसीटोन एसीटोन। भैया मेरे, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये जो मैंने आपको बताया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो ध्यान से, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। और एक और मज़ेदार चीज़, यहाँ पर ये अनसेचुरेशन है तो होना तो एडिशन ही है। कौन सा एडिशन, ये भाई साहब जाएंगे। और क्योंकि देखो, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस टू चार्ज, यहाँ माइनस, यहां माइनस। ऑर्गेनिक के मेरे सिद्धांत इन सवालों को करने के बड़े काम आते हैं। रिएक्शन वहां बेचैनी जहां बेचैनी किसमें है। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ तो बढ़िया बॉन्ड बनाए बैठा है, CH3- के अंदर हल्की बेचैनी है, मेरे से ज्यादा प्यार मैग्नीशियम क्लोरीन से करता है। अब कार्बन वाले नेगेटिव को दिख गया कार्बन, अरे छोड़ मैग्नीशियम, हम चलते हैं कार्बन की तरफ। अब ये जैसे, क्योंकि यहां पर अनसेचुरेशन भी है, एडिशन तो होना ही है, जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, आनंद की बात यह है, ओ पे आएगा माइनस, CH3 यहाँ और ये CH3। देखो मार्कोनिक ऑफ से अटैच करके कोशिश करना, मार्कोनिक ऑफ में H प्लस को अपनी तरफ लेता है, वो बॉन्ड आपका होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो जिस कार्बन को H प्लस खींचा दूसरे वाले को प्लस मिल जाता है, होता वो भी एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। रिएक्शन चार ही टाइप की हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ आइडिया क्लियर है, नहीं कर रहे हैं तब भी बड़ा ध्यान से देखो, यही बनेगा। अब बेचारा एम जी कहता है हम तो चले इस ओ से मिलने, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया। एम जी कहता है चलो भैया चलो ओ एच लो, निकल लो, क्योंकि ओ एच तो मैग्नीशियम को ज़्यादा प्यारी है। ये बेचारा ओ और इधर एच, ये इधर आके जुड़ जाएगा। तो कौन सी अल्कोहल मिली, क्या ये आइसोप्रोपाइल है? देखो आइसो ग्रुप का मतलब क्या होता है, ऐसे वाला ग्रुप जिसके साथ जुड़ जाए। मेरा वीडियो है जो मैं अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वहां देख सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल होता तो ऐसा वाला अल्कोहल होता, टर्शरी ब्यूटाइल है, हाँ जी ये वही है, क्योंकि ये कार्बन टर्शरी वाला है, देखो तीन कार्बन से अटैच, ये टर्शरी। आइसोब्यूटाइल कैसे होता, इसके साथ यहां होता और अल्कोहल यहां होता है। तो चारों समझा दिए मैंने, तो ऑप्शन हो गया सी। व्हेन वेपर ऑफ ए सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, कुछ भी नहीं है बेटा, देखो सेकेंडरी अल्कोहल है मान लो, अरे गुरु पेन तो चलाया ही नहीं, दिस इज माय सेकेंडरी अल्कोहल। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर जी यहां पर हीटिंग हुई है, क्या हम यहां पर डिहाइड्रेशन कर दें? कदापि नहीं, यहाँ पर कॉपर के साथ जो होता है ये ऑक्सीडेशन है रे, तो यहाँ पर कीटोन बनाओ, नमस्ते करो, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाने की बड़ी प्यारी रिएक्शन है ये। इन द रिएक्शन, ये देख लो रिएक्शन की शक्ल देखो बड़े गौर से, कौन सी रिएक्शन है रही है? सर जी रिमार्टिमान रिएक्शन है, हाँ जी बिल्कुल, अपने ही चैनल पर रिमार्टिमान की डिटेलिंग दे रखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन, सीधा से रटा हुआ है ये, तो ये होता है। और ये बनता कैसे है, अल्फा एलिमिनेशन। सर बीटा तो सुना था, अल्फा क्या है जानने के लिए रिमार्टिमान रिएक्शन डीजेस क्लासेस पे देखें, सब्सक्राइब करें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर चारों रिएक्शन गौर से देखते हो तो HCl दिया है, ये भूल जाता हूँ, पेन चलाता हूँ, हाईलाइटर लेते, ये तो बड़ा मजा आएगा। HCl है और अनहाइड्रस ZnCl, HCl के साथ जब अल्कोहल से हैलाइड बनाना होता है तो टर्शरी अल्कोहल तो बढ़िया, क्योंकि वहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन है, जल्दी से निकल जाएगा। देखो यार ऑल रिएक्शन एसिड बेस, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल में बढ़िया बेस कौन है, जो OH छोड़ के खुश है, OH छोड़ के खुश कौन है, टर्शरी, तो टर्शरी तो बिंदास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टर्शरी को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ZnCl2 की जरूरत नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी को जरूरत है।
तो ये वाला प्राइमरी है और ये अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, हाँ इसको जरूरत है, तो ये हो जाएगा। ये है प्राइमरी, इसमें डाला है एस सी एल, बिना सपोर्ट के कैसे, कमजोर प्राणी है भैया, ये नहीं करेगा ना, टर्शरी होता तो कर लेता, ये टर्शरी है और एस सी एल है, टर्शरी है ना, देखो तीन लग गए ना इसके साथ टर्शरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं पता तो लिखो ग्रुप में, अब ग्रुप कह रहा हूँ ये ग्रुप तुम्हारा बैचेस चलते ना कि तुम लिखो इसमें क्या होता है ये कमेंट में, एस सी एल डाला, ये टर्शरी है, ये अच्छा बेस है, हो जाएगा इससे हो जाएगा। अच्छा सी एस थ्री ये सेकेंडरी है, इससे भी हो जाएगा, तो वन थ्री का फोर, हाँ जी खत्म, डी हो गया ऑप्शन, समझ में आई ना बात। पॉइंट टू भी नोटेड क्या है, ऑल रिएक्शन एसिड बेस, देखो मेरे दो सिद्धांत हैं ऑर्गेनिक में, पहला रिएक्शन वहाँ बेचैनी जहाँ, दूसरा ऑल रिएक्शन एसिड बेस, जो एल्कोहल बढ़िया बेस होगा वो एस सी एल के साथ खुद ही कंबाइन हो जाएगा, बढ़िया बेस कौन, जो ओ एच छोड़ के स्टेबल हो, बढ़िया एसिड कौन, जो एच छोड़ के स्टेबल हो, दोबारा सुनो, बढ़िया बेस कौन, जो ओ एच छोड़ के स्टेबल हो, बढ़िया एसिड कौन, जो एच छोड़ के स्टेबल हो, तो ओ एच छोड़ के स्टेबल टर्शरी एल्कोहल होगा, इसलिए उसको सीधा सीधा जेड एन सी एल टू नहीं चाहिए, एस सी एल से भी कर लेगा। ओके, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है, ये बीच में कुछ था क्या, अच्छा सी एस थ्री बी आर ही होगा, के सी एन डाला, हाँ तो ये तो सीधा सीधा सी एस थ्री सी एन, अरे जल डाल रहे हैं भैया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब, तो गजब है ये तो, एसिड बनेगा गजब उसका, अच्छा रिड्यूस भी मार दिया है बिल्कुल एल आई एच फोर के साथ, एल ए एच लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एसिड से डायरेक्ट एल्कोहल, धूम मचाले, ये लो भैया ये बन गया एंड प्रोडक्ट, एसीटोन नहीं है रे, मीथेन नहीं है रे, एसिटाल्डिहाइड नहीं, इथाइल एल्कोहल है बबुआ, ये लो खत्म। आसान सवाल, नीट का मतलब ही आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान सवाल के साथ गलतियां होने के चांस भी उतने ही आसान होते हैं, जज्बात में बह जाते हैं हम, तो मेरा सजेशन रहेगा चार में से एक सेलेक्ट मत करो, चार में से तीन रिजेक्ट करो, राइट आंसर तक पहुंचोगे, और डॉक्टरी में भी काम आएगा, डायग्नोसिस के टाइम पे कौन सा डायग्नोसिस हो सकता है उसको सेलेक्ट मत करो, मैक्सिमम जो नहीं हो सकते उनको रिजेक्ट करो, मजा आएगा, पेशेंट को ठीक कर पाओगे। अमंग द फॉलोइंग फोर कंपाउंड, फिनॉल है, मिथाइल फिनॉल है, बनाऊंगा मैं, दो मिनट लगेंगे, बना दूंगा मैं मिथाइल फिनॉल बेटा, चलो पैरा ही ले लो इसको फिर, भाई ने तो कुछ दिया ही नहीं, अच्छा मेटा में यहाँ खेल रहा है, मेटा में नाइट्रो दे रहा है, वैसे मिथाइल में नहीं दे रहा है, गजब आदमी है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि एसिडिटी ऑर्डर, ये तो गजब हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो वो खींच के ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देंगे तो एसिडिटी बढ़ा देंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन देंगे एसिडिटी कम करेंगे, ध्यान रखना भैया, मोर दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटर दी एसिडिटी, और उल्टा कर लो इलेक्ट्रॉन डोनर में लोअर दी एसिडिटी, सबसे बेकार तो इसी की हो गई फिर, है ना, तो सेकंड वाला कहाँ कहाँ है, लो भैया तीन में सेकंड दे रखा है, और सोचो सबसे बढ़िया मेटा और पैरा में, पैरा वाले की एसिडिटी बढ़िया होती है, ये ध्यान रखना, इसका रीज़न जानने के लिए लेक्चर में भी है, और फिर भी चाहते हो तो कमेंट में डालो तब बताएंगे, ऐसे नहीं बता रहे हो, तो ये पैरा में आ गया, तो पैरा यानी फोर सबसे बढ़िया, फिर थर्ड हो गया मेटा वाला, फिर वन वाला, फिर अरे पहला ही ऑप्शन हो गया, गजब, ये तो हो नहीं सकते थे सेकंड वाले में, देखो थर्ड पहले दे दिया, वन दे दिया, गजब, टू दे दिया, रिजेक्ट भी हो गए। Any soul on cleavage with HI? क्या कहें, खैर HI वाले cleavage का बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, लेकिन any soul इसके साथ तो, अरे भैया जहां पर फिनॉल बन रहा हो वहां पर फिनॉल ही बना के नमस्ते कर देना, तो ये लो फिनॉल बना लो, हमारे फिनॉल के चित्र घबराना मत, बाकी तो आई तो लगना ही नहीं था इस पे, वो तो गायब कर दो, ये भी गलत, ये C2H5 कहाँ से आ गया बेटा एनिसोल में, है ना, तो ये भी गलत। द मेजर प्रोडक्ट, देखो फिर वही क्वेश्चन है और ये रिपीटेशन में आते हैं, कोई 18 में आया कोई 19 में आया, द मेजर प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, ध्यान रखना जब भी यहाँ पर टर्शरी होगा तो टर्शरी वाले के साथ आई लगेगा, अब बच्चे जोश में आ जाते हैं और फटाफट बिना क्वेश्चन को ढंग से पढ़े आगे चल देते हैं, यहाँ एक्सेस एच आई लिखा है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, अरे सर ये तो एनसीईआरटी से रटा हुआ है, टर्शरी वाले के साथ तो हम फेल देंगे फटाफट आई, और उसके साथ हम फेल देंगे फटाफट ओ एच, ये लो सेकंड ऑप्शन हो गया, ना रे क्यों रे,
अरे भैया जो OH था XSHI है, इसको भी तब्दील कर देगा ना ये, तो दोनों ही तो आयोडीन वाले हो गए, तो ऑप्शन हो गया ए। नमस्ते, ध्यान दे दे इधर भी जरा, क्वेश्चन देख तो भाई कैसा है जरा। अब ये है देखो, रिएक्शन कितनी भयंकर दे रखी थी इस पेपर में, और सवाल क्या था। अरे भैया गजब, बिल्कुल। OH के अंदर हमने डाला NaOH, NaH डाला तो Na यहाँ लगना ही लगना है, बिकॉज फिनॉल एसिड, मतलब फिनॉल तो नहीं है बट ये OH एसिड है, और फिर MeI डाल दिया है, गजब बिल्कुल। तो बेसिकली बेटा ये RONA रोना और RX वाली रिएक्शन है, विलियम के लड़के की रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियम का बच्चा रो रहा था, RX डाला, ईथर बन गया रे, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया। कितना आसान था, रिएक्शन देख रहे थे क्या चीज़ दे दी। अरुजी थैंक यू, ये लास्ट आए हैं 5-7 सालों में क्वेश्चन, 10 सालों में इस चैप्टर से। तो भैया ये रहा एल्कोहल फिनॉल ईथर का शॉर्ट रिवीजन नीट के बच्चों के लिए, जरा जो जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।